सेना के जवानों के साथ दिवाली मनाने के एक दिन बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केदारनाथ धाम पहुंच गए, जहां उन्होंने पूजा अर्चना की। इसके बाद पीएम मोदी ने एक जनसभा को भी संबोधित किया, जिसकी शुरुआत उन्होंने बाबा केदार के जयकारे के साथ की और वहां मौजूद लोगों ने भी उनका साथ दिया। जय बाबा केदार। माथे पर तिलक चंदन, जबान पर बाबा केदार और सामने श्रद्धालुओं का हुजूम लगा तो उत्तराखंड के विकास का हिसाब किताब देने के साथ ही प्रधानमंत्री ने मथुरा काशी के विकास और अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण का भी जिक्र किया। अयोध्या को उसका गौरव सदियों के बाद वापस मिल रहा। केदारनाथ मंदिर के ठीक सामने बने मंच से पीएम ने कोरोना के खिलाफ शत प्रतिशत वैक्सीन लगाए जाने को उत्तराखंड सरकार की बड़ी उपलब्धि बताया और राज्य में चल रहे विकास कार्य भी गिनाए। यही नहीं, प्रधानमंत्री ने उत्तराखंड के दौरे पर कई विकास योजनाओं की नींव रखी तो कुछ का लोकार्पण किया। लेकिन इस दौरे की शुरुआत सुबह करीब 8 बजे पीएम के चिरपरिचित अंदाज में हुई, जब केदारनाथ में हेलीकॉप्टर से उतरने के बाद प्रधानमंत्री मंदिर की तरफ पैदल बढ़ते दिखे। नरेंद्र मोदी ऐसे इकलौते प्रधानमंत्री हैं जो पांचवी बार केदारनाथ धाम जो है वो आ रहे हैं। मंदिर में बाबा केदार के दर्शन के बाद पुजारी बागेश लिंग ने उन्हें पूजा अर्चना करवाई। विधि विधान से पूजा आरती के बाद पीएम मोदी ने 13 फीट ऊंची और 35 टन वजनी आदि गुरु शंकराचार्य की प्रतिमा का अनावरण किया। जगत गुरु आदि शंकराचार्य का समाधि स्थल, और देखिए कितनी खूबसूरती से समाधि स्थल को तैयार किया गया है। प्रधानमंत्री ने इस दौरे पर विकास योजनाओं की झड़ी लगा दी। पीएम के दौरे के लिए पहाड़ों से घिरा मंदिर फूलों से सजा नजर आया और बाढ़ से हुई तबाही के बाद आसपास की बदली सूरत को देखकर पीएम भी खुश नजर आए। लौटते वक्त प्रधानमंत्री ने बर्फ से ढके पहाड़ों के बीच बढ़ती ठंड में वहां मौजूद पत्रकारों से अपनी सेहत का ध्यान रखने की अपील की। आप लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, जी बीमार मत होना, थोड़ा संभाल के रहना। पीएम ने कुछ घंटों के कार्यक्रम के दौरान ही राज्य में चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा भी की।